लास्ट लेक्चर में हमने टर्म्स डिस्कस की थी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स और एग्जांपल्स डिस्कस हुई थी, जिसमें से मैस स्प्रिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। और मैस स्प्रिंग सिस्टम में हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और के को हमने कहा था ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसी को यूज़ करते हुए हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी डिस्कशन ये थी कि एक्सेलरेशन, जो भी ये मूविंग ऑब्जेक्ट है जो किसी भी स्प्रिंग के साथ अटैच है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन है। डिस्प्लेसमेंट से जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इस मैस के अंदर एक्सेलरेशन आएगा। रीज़न ये थी कि उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगी। जब फोर्स ज़्यादा हो तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, जितनी ज़्यादा फोर्स होती है उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होता है। ये एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, एक मैस अटैच है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़ा हुआ है और ये अटैच हुआ है एक स्प्रिंग के साथ। इस टाइम पे ये मेन पोजीशन पे है और इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। इस मेन पोजीशन से हम इसको राइट या लेफ्ट साइड पे अगर लेके जाएं तो इसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होना शुरू होगा। मैं इस टाइम पे इस मैस को राइट साइड पे अगर मूव कराऊं तो आप नोट करें कि मेन पोजीशन से इस एक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है ये इंक्रीज करना शुरू करेगी। इस मैस को मूव कराया मैंने राइट साइड पे और एक्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.8 हो चुका है, 0 से इंक्रीज होके 0.8 तक आ चुका है। और ऐसे ही ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। अगर इसको मैं एंड तक ले आऊँ तो यहाँ पे इस टाइम पे ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचा हुआ है और डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पे 2 मीटर्स है। आपने दो चीज़ों की डायरेक्शन नोट करनी है, एक डिस्प्लेसमेंट की, ये राइट साइड पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट साइड पे है, और उसके साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन आपने देखनी है ये कैसे चेंज होगी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे जाएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे हो जाएगी, जब राइट साइड पे मूव कर रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन भी राइट साइड पे हो गई है। एक्सट्रीम पोजिशन पे पहुंचने के बाद जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट की अगर आप वैल्यू देखें तो मेन पोजीशन से राइट या लेफ्ट साइड पे ये वैल्यू इंक्रीज करती है। मेन पोजीशन पे 0 है, राइट साइड पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट साइड पे है, 1.8 मीटर तक गया है, और जब मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड पे हो गई है और 1.8 मीटर तक लेफ्ट साइड पे मूव की है। इसी के साथ हमने ये डिस्कस किया है कि जितना ज़्यादा हम इस मैस को दूर लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच हो रहा है और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ रही है। जितना इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाएंगे इतनी ही ज़्यादा इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी। अगर हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स भी कम होगी एज़ कंपेयर टू द एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये यहाँ पे फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये रुकता है और फिर इसकी मोशन की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। आप देखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के बाद, उससे पहले ये वेलोसिटी की डायरेक्शन राइट साइड पे थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब ये रुक गया
इसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी आप नोट करें, ये जीरो हो जाएगी। ये एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहे हैं और ये वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होने के बाद वापस अब इसकी डायरेक्शन चेंज हुई है, और जिस साइड पे मूव करता हुआ जा रहा है उसी साइड पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है। वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आपको मिलेगी मेन पोजीशन पे, ये मेन पोजीशन पे है, थोड़ा सा मेन पोजीशन से हटा हुआ है, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो आप इसकी वेलोसिटी देखेंगे कम होते होते वो नियर टू जीरो हो गई है, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन को टच करेगा, जैसे ही इतनी डायरेक्शन चेंज करेगा उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर एक्सीलरेशन विल बी मैक्सिमम। क्यों एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा? क्योंकि एक तो फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, और दूसरा वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस सिमुलेशन? रियान खान, सर ये जो एक्सेलरेशन जो एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होगी इस बात की नहीं समझ आई। ये चीज समझ आती है कि जब ये स्प्रिंग जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही इस स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर होगी। यस सर ये समझ आ गई। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? F इज इक्वल टू डायरेक्ट MA, डायरेक्ट रिलेशन है। तो जब फोर्स ज्यादा है, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर ठीक है सर जी। सर यस सर, मेन पोजीशन हमें कैसे पता चलेगी? मेन पोजीशन जो इनिशियल रेस्ट पोजीशन है, और आप उससे कह सकते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड पे ये ऑब्जेक्ट बराबर मूव करके जाएगा। अभी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे ला के रखूँ, ये मेन पोजीशन ये थी जो ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ द मेन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन जो ओ से डिनोट की हुई है। इस टाइम पे यहाँ पे इसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, और इसको हमने राइट साइड पे मूव कराया। अगर मैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये फिक्स कर दूँ 1.5 मीटर, तो ये मेन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ 1.5 मीटर तक ही जाएगा। आप नोट कर लें, जिस टाइम पे इसकी डायरेक्शन चेंज होगी ये 1.5 मीटर तक ही गया। तो मेन पोजीशन से राइट और लेफ्ट साइड पे सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। सर आप स्कोर नहीं कर सकते पीछे? जहाँ पे अभी जिस एक्सट्रीम पोजीशन तक मैंने ला के इसको छोड़ा था, ये उसी एक्सट्रीम पोजीशन तक दूसरी साइड पे भी जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। अगर मैं इसको इस एक्सट्रीम पोजीशन तक 2 मीटर तक ला के छोड़ूँ, फिर ये राइट साइड पे भी 2 मीटर तक ही जाएगा। ओके, मेन पोजीशन से राइट और लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। यही फिगर है जो आपकी बुक में दी हुई है। इसमें हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे कि मेन पोजीशन पे एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ये इधर क्लियर है, और राइट साइड पे प्लस ए, इसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, या इसकी पोजीशन अगर एक साइड पे ए है तो दूसरी साइड पे माइनस ए होगी। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन या उनका साइन जो है वो ऑपोजिट होगा। तो एक्स एक्स इधर भी मैक्सिमम है और लेफ्ट साइड पे भी ये एक्स मैक्सिमम है। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगी, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी, और अगर सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन ले यहाँ पे भी जीरो होगी।
डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये दो चीज़ें क्लियर होगी। एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे मिनिमम है, अगेन राइट साइड पे जो एक्सट्रीम पोजीशन है उस पे मैक्सिमम है। फोर्स को अगर डिस्कस करें, बल्कि एक्सेलरेशन से पहले बेहतर है कि आप फोर्स को लिख लें, फोर्स भी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम है, मेन पोजीशन पे मिनिमम है और राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे भी मैक्सिमम है। उसके बाद डिस्कस हुई भी है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने 9th क्लास में पढ़ा है, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जहाँ पे ये वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजिशन बिकॉज वेलोसिटी इज़ ज़ीरो एट द एक्सट्रीम पोजिशन, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम वेयर वेलोसिटी इज़ मैक्सिमम। Velocity is maximum at the mean position, therefore kinetic energy is maximum at the mean position. अब discuss करते हैं potential energy को। Potential energy में ये height है या फिर हम इसको displacement भी कह सकते हैं। अगर हम इसको अपने mass spring system के लिए लिखें तो हमारा displacement x की form में है। अब potential energy maximum कब होगी? जब ये displacement maximum होगा। और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो कब होगी? जब ये डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है मेन पोजीशन पे, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो एट मेन पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम। ये वो चीज़ें हैं जो कॉन्सेप्ट की हैं और इसके साथ साथ एमसीक्यू में पूछी जाती हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमम एट मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सेलरेशन इज़ मैक्सिमम एट मेन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, समवेयर इन द मिड वे बिटवीन मेन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेन चीज़ ये याद रखें कि डिस्प्लेसमेंट किधर ज़ीरो है किधर मैक्सिमम है, वेलोसिटी कहाँ पे ज़ीरो है किधर मैक्सिमम है, और फोर्स किधर मैक्सिमम है और कहाँ पे ज़ीरो है। तीन चीज़ें याद रखें, डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ वेलोसिटी और फोर्स। अगर ये तीन चीज़ें आपको याद हैं तो एक्सेलरेशन आपको उस फोर्स से पता चल जाएगा, और अगर वेलोसिटी का पता है तो आप उसके साथ काइनेटिक एनर्जी को बता सकते हैं, और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का पता है तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? यस रियान सर, ये वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम होगी इसका बता दें जरा। देखें, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मेन पोजीशन पे, ये सबसे पहले रेस्ट में था। Yes. ठीक है, इसको हमने डिस्टर्ब कराया है यहाँ तक लेके आए, ठीक है? Yes, sir. और जब हमने इसको रिलीज किया है, इसने मोशन स्टार्ट कर दी है। अब मोशन इसकी स्टार्ट हुई है, लेफ्ट साइड पे मूव होना शुरू हुआ है, यहाँ पे आके इस एक्सट्रीम पोजीशन से इसने वापस राइट साइड पे मूव करना है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, और ऊपर से जब वापस ये रिटर्न नीचे आएगा तो यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए इस जगह पे आके ये रुकेगा। जब रुक गया उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, स्पीड ज़ीरो होगी। तो ये ऐसे ही एक्सट्रीम पोजिशन पर पहुँचने के बाद जब इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये वापस जाने लगे दूसरी साइड पर, तो वहाँ पर ये रुकेगा। जब ये रेस्ट पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, इट मींस द वेलोसिटी विल बी जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पे अगर जीरो है तो मेन पे मैक्सिमम होगी।
इज इट क्लियर? ठीक है सर, यस। लास्ट जो इसके अंदर एक टर्म यूज हुई भी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डिटेल तो आपके जो सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है उसमें आती है, लेकिन फॉर्मूला जब यहाँ पे आया है तो हमें यहाँ भी थोड़ा सा डिस्कस करना है। टाइम पीरियड वो टाइम है कि जिस टाइम के दौरान एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो। अगर हमने यहाँ से रिलीज़ किया है अपना मास और ये इस साइड पे मूव करना शुरू हुआ है और यहाँ पे मूव करके इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आया है और वापस जब इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा तो ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड रिटर्न बैक टू द फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें जो हमारी मेन पोजीशन है उसको कंसीडर करें कि मेन पोजीशन से ये एक साइड पे गया, वापस आया दूसरी साइड पे गया और फिर ये इधर जब आया है तो इस टाइम पे आके इसकी वन वाइब्रेशन कंप्लीट हुई है। मेन पोजीशन से ये गया राइट साइड पे, वहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से आ गया लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड से एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आ गया मेन पोजीशन पे, ये इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई है। इसको जितना टाइम लगा है राइट साइड पे जाके वापस इधर लेफ्ट पे आया है और लेफ्ट से वापस इधर मेन पे आया है, जितना टाइम इसने कंज्यूम किया है ये एक वाइब्रेशन में इसका टाइम लगा है। दिस टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। टाइम पीरियड इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के दौरान जितना टाइम कंज्यूम होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड अगर हमने कैलकुलेट करना है तो उसका डायरेक्ट फार्मूला आपकी बुक में गिवन है, इसकी डेरिवेशन नहीं है। इट इज 2π टाइम्स मास डिवाइडेड बाय दिस स्प्रिंग कांस्टेंट होल स्क्वायर रूट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, इनको डिवाइड करें, उसका स्क्वायर रूट लें और मल्टीप्लाई कर दें 2π के साथ तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और हम ये डिस्कस कर रहे हैं एक फ्रिक्शन लेस सिस्टम, ये टाइम पीरियड जो भी है ये सेम रहेगा। ये डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, ऑब्जेक्ट का मास कितना है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना है। जब तक ये मास ना चेंज हो या स्प्रिंग ना चेंज हो उस वक्त तक हमारा टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, चाहे हम इस मास को इस जगह से ला के रिलीज करें और वापस इस पोजीशन तक लेके जाएं, या फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक ला के रिलीज करें और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाए, इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा बिकॉज टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास एंड coefficient of spring, spring constant or stiffness of spring. It does not depend on displacement. इसके ऊपर depend नहीं करता कि हम कितना दूर mean position से लेके गए, इस चीज़ पर depend नहीं कर रहा। अगर इस चीज़ पर depend करता तो हमारा time period जितनी ज़्यादा हम इसके displacement mean position से बढ़ाते रहते उतना इसका time period change होता रहता। ये चीज़ भी याद रखने की है कि the time period of mass spring system depends only on mass of the object and stiffness of spring. It does not depend on the displacement from the mean position. Is it clear? Any question? Sir, आपने कहा था कि weight पे तो depend नहीं करता। मैंने कब कहा है वेट पे डिपेंड नहीं करता? सर पिछले लेक्चर में जब मैंने आपसे पूछा था आपने कहा था यहाँ पे वेट की बात नहीं हो रही। वो वेट की बात हमने जो हमारी स्टार्ट की डिस्कशन थी उसमें डिस्कस नहीं किया था। मुझे भी याद नहीं आ रहा कि कौन सा पॉइंट था जिसपे मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे वेट की डिस्कशन नहीं हुई होगी। कंप्लीट क्या बात थी वो बताएं। वो ठीक है, आप एक्सीलरेशन की, ठीक है करेगा। वो डिस्कशन थी एक्सीलरेशन की।
एक्सीलरेशन जो है वो इनडिपेंडेंट ऑफ मास है. एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे कोई मास नहीं है, कोई वेट नहीं है. एक्सीलरेशन के डिस्कशन जब हो रही है उसके अंदर मास और वेट के डिस्कशन नहीं है, कि कितना बड़ा मास है, कितना छोटा मास है, एक्सीलरेशन उस पर डिपेंड नहीं करता. लेकिन टाइम पीरियड डिपेंड करता है कि मास कितना बड़ा है या छोटा है. इज इट क्लियर? ओके सर, नाउ कम टू द टेक्स्ट बुक टू अंडरलाइन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग डिस्कस हो चुके हैं, उसको अंडरलाइन भी कर चुके हैं. उसके बाद एक्सीलरेशन की डिस्कशन आपको इस टॉपिक, इस पैराग्राफ में मिलेगी. एक्सीलरेशन जो है मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट. स्लाइटली बिजी. एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. ये भी एमसीक्यू का पार्ट है और शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं. व्हाट डज नेगेटिव साइन इज शोइंग हियर. यहाँ पे जो इक्वेलिटी का सिंबल है वो भी ठीक नहीं है, और बल्कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, ये ठीक नहीं है. अपनी बुक में देख लें, जिसके पास है अगर ठीक है तो सही, नहीं तो उसको करेक्ट कर लें. नेगेटिव साइन की डिटेल आपको इस पैराग्राफ में मिलेगी, कि ये बताता है कि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है. व्हाट्स द रीज़न? बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द मेन पोजिशन. व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेज और पुल्स द ऑब्जेक्ट. रिस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स स्टोर हुई हुई है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को या पुश करेगी या फिर पुल करेगी. जब हमने इस एक्सट्रीम पोजीशन पे ला के छोड़ा है तो वो पुल कर रही है ऑब्जेक्ट को, और पुल करती हुई यहाँ तक ले आई है लेफ्ट साइड पे. और यहाँ पे आने के बाद जब इसकी मोशन राइट साइड पे स्टार्ट हुई है, तो यही स्प्रिंग जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स थी वो इस मैस को पुल पुश कर रहा है राइट साइड पे. तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? ऑलवेज पुशेज और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मेन पोजिशन. मेन पोजिशन की तरफ वो पुल करेगी या फिर उसको पुश करेगी. द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द मैस विल पुट इट टूवर्ड्स द मेन पोजिशन ओ. द रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज. ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, सिर्फ बुक में कहाँ पे लिखी हुई हैं वो आप नोट कर लें. डिक्रीज कब होगी उसकी डिस्कशन भी इधर है, और ये मेन पोजिशन से राइट या लेफ्ट साइड पे क्यों मूव करते हैं ड्यू टू इनर्शिया, इसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी. एंड द स्पीड ऑफ मैस डिक्रीजेज. जो मैस की स्पीड है वो कब डिक्रीज करेगी, इट्स डिस्कशन इज हेयर. एंड वट इज़ द टाइम पीरियड फॉर द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, इट इज डिस्कस हेयर.